राजधानी रायपुर में फिर से ठगी का मामला सामने आया है। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर आरोपी ने अधिक रकम दिलाने का झांसा देकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। न्यू राजेंद्र नगर निवासी भानु प्रताप सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराया था कि उनसे बीमा पॉलिसी कर अधिक रकम दिलाने के नाम पर करीब 20,22,000 रुपए की ठगी कर लिए थे। मामले पर कार्रवाई करते हुए राजधानी पुलिस ने आरोपी ठग रंजीत यादव को दिल्ली से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड में लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा कॉल सेंटर चलाया जाता था, जिसके माध्यम से लोगों को कॉल करके झांसे में लिया जाता था। आरोपियों के कब्जे से 34 नग मोबाइल फोन सहित 30 नग सिम कार्ड जब्त किया गया और 82,000 रुपए की जो है ठगी हुई थी। तो इसमें हमारी टीम, साइबर की टीम और न्यू राजेंद्र नगर थाने की टीम लगी हुई थी। तो इसमें अभी रायपुर से टीम गई हुई थी दिल्ली में, लगभग एक सप्ताह तक कैंप किए हुए थे। तो इसमें जीरो इन करके टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और इस आरोपी से, आरोपी है रंजीत यादव, इनसे लगभग 7 लाख के जो है पॉलिसी है वो रिकवर हुए हैं और 3.6 लाख का जो है इनसे जो है चेक बरामद किया गया है। तो इस प्रकार से प्रार्थी को लगभग 10.6 लाख जो है उनको रिटर्न हुए हैं। और इस घटना में अभी और भी लोगों के शामिल होने की हमें टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जो है जानकारी मिली है। तो इसमें विवेचना भी आगे की जा रही है। सर, इसमें हर बार देखा जाता है जो इंश्योरेंस की रकम कम होती है लेकिन ठगी की ज़्यादा, तो ऐसे में कैसे ठग लेते हैं, ठग तरीका क्या होता है कि ज़्यादा रकम दे जाता है सामने वाला?